स्टडी ऑन मोबाइल में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस का बेसिक कंसेप्ट पहले समझेंगे। ये बेसिक कंसेप्ट बहुत ही जरूरी है। यदि आपने परसेंटेज चैप्टर का सभी वीडियो अच्छे से देखा है तो ये वीडियो आपको काफी पसंद आएगा और जितने भी प्रॉफिट लॉस के क्वेश्चंस हैं आपसे इजीली बनेंगे बिना किसी पेन को उठाए। ठीक है, आपको पेन कॉपी की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, मैक्सिमम क्वेश्चन में आप मेंटली बना लेंगे। ठीक है, आपको वही कंसेप्ट प्रॉफिट लॉस में भी यूज करना है। आपका परसेंटेज वाला कंसेप्ट ही प्रॉफिट एंड लॉस में यूज होगा। पहले कुछ बेसिक्स इसके समझ लेते हैं। यहाँ पे क्रैमूल क्या होता है, सीपी, क्रैमूल को क्या बोलते हैं, सीपी, कॉस्ट प्राइस। जिस दर पर कोई वस्तु खरीदी जाए वो क्या होता है, क्रैमूल होता है। ठीक है, एसपी, सेलिंग प्राइस क्या होता है, आपका जिस दर पर कोई वस्तु बेची जाए उसे क्या बोलते हैं, एसपी, विक्रय मूल्य। ठीक है, तीसरा टर्म आता है इसमें एमपी, मार्क प्राइस, अंकित मूल्य। अंकित मूल्य, अंकित मूल्य क्या होता है, यदि वस्तु पर दो जो मूल्य अंकित कर दिया जाता है, एमआरपी जिसको बोलते हैं, जो अंकित रहता है वही क्या होता है, आपका अंकित मूल्य होता है। और एक और बात ध्यान रखनी है कि जब भी डिस्काउंट आपको दिया जाए, छूट जो दिया जाता है, छूट, डिस्काउंट, वो हमेशा हमेशा किस पे दिया जाता है, एमआरपी पे, हमेशा एमआरपी पर, मतलब एमआरपी चाहे एमपी कहिए दोनों एक ही बात है, एमपी पर दी जाती है, हमेशा एमआरपी पर दी जाती है। ठीक, छूट आपको कभी भी क्रैमूल या विक्रैमूल पर नहीं दिया जाता है। छूट जब भी दिया जाएगा किस पर दिया जाएगा, अंकित मूल्य पर दिया जाएगा। ये आप समझ गए। अब यहां पे अगर छूट प्रतिशत निकालनी हो, एक छोटा सा फॉर्मूला देख लीजिए, छूट प्रतिशत, आप लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत का फॉर्मूला जानते होंगे, उसी तरह से छूट प्रतिशत का फॉर्मूला क्या होता है, छूट प्रतिशत बराबर जितने की छूट दिया जाए, छूट बटा किस पर छूट दिया जाता है, अंकित मूल्य पर, अंकित मूल्य पर दिया जाता है। इसलिए नीचे हमेशा आपका अंकित मूल्य रहेगा एमपी गुना 100। जैसे कि लाभ परसेंट का फॉर्मूला आप सबको पता होगा, लाभ परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है, लाभ बाय क्रय मूल्य गुना 100। लाभ और हानि किस पर गणना होता है, क्रय मूल्य पर, इसलिए हमेशा क्रय मूल्य नीचे रहता है। उसी तरह से हानि प्रतिशत का भी फॉर्मूला निकालना हो तो हानि बाई में क्या होता है, क्रय मूल्य इंटू 100। ठीक, नीचे हमेशा क्रय मूल्य रहता है क्योंकि लाभ और हानि की गणना किस पे होगा, आपका क्रय मूल्य पर, जबकि छूट किस पर दिया जाएगा, अंकित मूल्य पर, एमपी पर, एमआरपी पर। ठीक, तो इसलिए एमपी नीचे रहता है। तो ये बेसिक सा फॉर्मूला था जो ज्यादातर लोगों को आता है, ये आपको ध्यान रखना है इतनी बात। इसके बाद आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इस चैप्टर में। कुछ कंसेप्ट और है उसको समझ लीजिए। यदि लाभ परसेंट दिया रहा है, मान ले कि लाभ परसेंट 20% दिया रहा है, तो विक्रय मूल्य आपका हो जाएगा एसपी, विक्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 120%। 100% जो वैल्यू होता है वो हमेशा क्या होता है, क्रय मूल्य। 100% जो वैल्यू है क्या है, सीपी होता है, हमेशा सीपी कितना होता है, 100%। उस पर आपको लाभ मिल रहा है 20% का, एसपी कितना हो जाएगा, 120, मतलब 100 रुपए की वस्तु है
20% लाभ लेने का मतलब 20% लाभ लेकर के बेच रहे हैं, 120 में दिया। प्रतिशत में बात करें तो 100% क्रैमुल है, उस पर लाभ ले रहे हैं 20% का, तो विक्रयमूल कितना हो जाएगा 120%। ठीक है, वही यदि हानि होती आपको, हानि होती 20% का, तो आप विक्रयमूल कितना हो जाता, कितना में बेचते उस वस्तु को, 80% पर बेचते। 100% सीपी था जिस पर हानि हुई कितने, 20% की, तो कितने में आपने बेचा, 80% में वस्तु बेच दिया। तो यही काम करना है, जब भी आपको लाभ हो तो 100+ जितना लाभ हो रहा है उतना कर देंगे, जैसे 10% का लाभ हो तो विक्रयमूल हो जाएगा 110%, 30% का लाभ हो तो विक्रयमूल हो जाएगा 130%, वही 30% की हानि हो तो विक्रयमूल कितना हो जाएगा, एसपी कितना हो जाएगा 70%, 10% की हानि हो तो विक्रयमूल कितना हो जाएगा आपका 90%, एसपी हो जाएगा 90%। ये बेसिक सी चीजें थी जो पहले समझना पड़ेगा आपको, तब क्वेश्चन करने में आपको मजा आएगा, एकदम बिना पेन और पेपर के भी आप क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो आइए अब हम लोग क्वेश्चन को करते हैं। यदि आप किसी भी तरह के एग्जाम की तैयारी करते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए स्टडी ऑन मोबाइल चैनल को और बेल आइकन को दबाइए। पहला क्वेश्चन यहाँ पे है, किसी वस्तु को 480 रुपए में बेचने पर 20% का लाभ होता है, तो उस वस्तु का क्रयमूल निकाले। यहाँ देखिए 20% का लाभ हुआ बेचा गया तो, ठीक है, तो अभी बताएं कि 20% का लाभ का मतलब एसपी क्या हो जाएगा 120%, मतलब विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा 120% प्रतिशत में, ठीक है, क्योंकि 100% क्या होता है, हमेशा क्रय मूल्य होता है, सीपी कितना होता है 100%, तो एसपी क्या हो जाएगा 20% लाभ लेने के बाद 120% में बेचिएगा। तो यही जो 120% जो है एसपी है वो रुपए में कितने के बराबर, 480 में, 480 में बेचे हैं, 120% बराबर कितने के, 480 के, तो 100% यहाँ पे हमेशा आपका सीपी हो जाएगा, 100% का वैल्यू निकाल दीजिएगा तो क्या हो जाएगा सीपी क्रयमूल हो जाएगा, ठीक है, तो 120% बराबर 480, तो 100% बराबर 480 बटा 120 गुना 100, ठीक है, बढ़ चुका है खाली, यानी कि 400 जो आ गया, क्या आ गया आपका क्रयमूल आ गया, सीपी आ गया, ठीक है, बिल्कुल आसान है, प्रतिशत का थोड़ी सी कंसेप्ट आपको समझना चाहिए और बन जाएगा। यदि आप परसेंटेज का वीडियो नहीं देखे हैं तो आपको प्लेलिस्ट सारा मिल जाएगा, इसके नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं परसेंटेज का सारे वीडियो, आप जाकर देख लीजिए, आपके कंसेप्ट एकदम क्लियर हो जाएंगे बहुत अच्छे से बिना पेन। इस क्वेश्चन में जैसे कि आपको पेन और पेपर की भी जरूरत नहीं थी। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, एक पुस्तक को 150 रुपए में बेचने पर 25% की हानि होती है, इस पुस्तक को कितने में बेचा जाए कि 30% का लाभ हो। यहाँ पे 25% की हानि होती है बेचने पर, तो 25% की हानि का मतलब आपने कितना में बेचा है, 75% में बेच दिया, इसकी क्या हो जाएगा यहाँ पे 75%, क्योंकि सीपी हमेशा कितना होता है 100% होता है, तो आपने 75% में बेच दिया और रुपए में कितना में बेचा आपने 150 में, तो यहाँ पे 75% कितने के बराबर 150 के, इसलिए जब आप 100% निकालेंगे तो वस्तु का क्या हो जाएगा क्रयमूल सीपी हो जाएगा, 100% क्या होता है क्रयमूल होता है, तो 150 बटा 75 गुना 100 इसको काटेंगे तो दो बार में, यानी कि 200 क्या आया वस्तु का क्रयमूल मिला, पर वस्तु का क्रयमूल हमें नहीं चाहिए, वस्तु का क्रयमूल नहीं कह रहा, कह रहा कि वस्तु को कितने में बेचा जाए कि 30% का लाभ हो, तो 30% का लाभ लेने के लिए आपको कितना में बेचना पड़ेगा वस्तु को 130% में, मतलब क्रयमूल का 130% में बेचिए, तब क्या होगा आपको 30% का लाभ हो जाएगा, यानी 13 गुना 26 260 रुपए में बेचना पड़ेगा, 30% लाभ चाहिए, 30% साफ लाभ के साथ एसपी क्या हो जाएगा 260, इसका आंसर 260 हो जाएगा। यहाँ पे आप डायरेक्ट बना सकते थे इसको एक और मेथड से, 100% का वैल्यू ना निकाल के डायरेक्टली आप 130% का वैल्यू निकाल सकते थे। यहाँ पे देख लीजिए,
चूंकि आपका 75% का वैल्यू कितने के बराबर है, 150 के, इसलिए हमको 100% का तो वैल्यू नहीं चाहिए, हमको चाहिए क्या, 30% के लाभ के साथ विक्रय मूल्य चाहिए। तो 130% का वैल्यू निकाल दीजिए, क्यों, क्योंकि 30% लाभ के साथ विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 130% हो जाएगा। तो 150 बटा 75 गुणा 130, इसको काट दीजिएगा आप दो बार में, 13 × 26 260, यहाँ पे 260 रुपया क्या हो गया आपका, 30% लाभ के साथ विक्रय मूल्य हो गया। ठीक है, बस सिंपल सा है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक दुकानदार अपनी सामान की कीमत 20% ज्यादा अंकित करता है और ग्राहक को 10% छूट भी देता है, तो दुकानदार का लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। यहां देखिए, उसने 20% ज्यादा अंकित किया है और साथ साथ उसने छूट भी दी है, यानी कि छूट हमेशा किस पर दिया जाता है, अंकित मूल्य पर दिया जाता है। तीन चीजें आप लिख लीजिए, सीपी, एसपी और एमपी। सीपी क्या है, क्रय मूल्य है, एसपी क्या है, विक्रय मूल्य, एमपी क्या है, अंकित मूल्य। अब कह रहा कि अपनी सामान की कीमत में 20% ज्यादा अंकित करता है, मान लेते 100 रुपया क्रय मूल्य है, 20% ज्यादा अंकित करने का मतलब, 20% ज्यादा अंकित करेगा मतलब कितना कर देगा, 120 रुपया उस पर अंकित कर देगा, 20% ज्यादा, क्रय मूल्य से 20% ज्यादा अंकित किया। अब यहाँ पे ग्राहक को 10% की छूट भी दी जाती है, तो ग्राहक को छूट हमेशा किस पर दिया जाता है, अंकित मूल्य पर। छूट हमेशा किस पर मिलेगा, अंकित मूल्य पर छूट मिलेगा, 10% की छूट। 10% के छूट के साथ जो बेचिएगा तो क्या मिलेगा, विक्रय मूल्य मिलेगा। 10% की छूट का मतलब होता है आपने वस्तु कितने में बेच दी, 90% पर बेच दी। तो 120 रुपये पर 10% की छूट दिया, तो 90% पर आपने बेचा, तो इसका कितना हो जाएगा, 12×9=108, यानी कि 108 में क्या किया आपने, वस्तु को बेच दिया, एसपी हो गया 108। यहाँ पे मैंने 90% इसलिए निकाल दिया डायरेक्टली कि 10% छूट दे रहे हैं तो 90% में बेच दे रहे हैं, इसलिए 90% निकाल दिए। क्या आप ऐसे भी कर सकते हैं, 120 का 10% निकाल करके, 10% छूट निकाल करके, यानी कि 12 आएगा, 12 रुपया घटा दीजिए इसमें से, 120 में से 12 रुपया का छूट दे रहे हैं आप, तो 12 रुपया घटा दीजिए, यानी कितना बेच दिया, 108 में। तो ये वाला स्टेप करने से कोई फायदा नहीं, एक स्टेप बढ़ाता है, हम लोग डायरेक्टली 10% छूट देने का मतलब 90% में बेच दिए, 90% का वैल्यू निकाल दीजिए, 108 में आप बेच देंगे, तो अभी भी लाभ हुआ है उसको। क्रय मूल्य कितना था, 100 माने थे और बेचे कितना, 108 में, यानी कि अभी भी लाभ हुआ है। कितने परसेंट का लाभ हुआ है, लाभ परसेंट निकाल देना है, 8% का लाभ हुआ है। लाभ कितने का रुपया का हुआ, लाभ परसेंट बराबर क्या होता है, लाभ बटा क्रय मूल्य गुना 100, क्रय मूल्य 100 है गुना 100, तो 8% का लाभ होगा। हमेशा इतना करने की जरूरत नहीं है, जब भी आपको क्रय मूल्य 100 है और लाभ जितना रुपये का हो रहा है, यहाँ पे 8 रुपये का लाभ हो रहा था, तो 8% ही होगा, प्रतिशत में भी क्या होगा, 8 होगा, तो 8% का लाभ हुआ है इसको। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक व्यापारी ने 3000 रुपये की एक साइकिल का अंकित मूल्य 30% ज्यादा अंकित करता है, फिर ग्राहक को 20% की छूट भी देता है, तो ग्राहक को साइकिल कितने रुपए में मिलेगी। यहाँ भी आपको तीन चीजें हैं, क्योंकि छूट किस पर दिया जाएगा, अंकित मूल्य पर, तो तीनों चीजें आप लिख दीजिए, सीपी, एसपी और एमपी, क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य और अंकित मूल्य। 3000 रुपये की साइकिल थी, मतलब 3000 रुपया क्रय मूल्य था, उस पर 30% ज्यादा अंकित करता है, मतलब कि 30% ज्यादा अंकित करता है, 30% ज्यादा अंकित करता है, 30% ज्यादा अंकित करने का मतलब आपको 3000 का 30% ज्यादा अंकित कर, मतलब 130% लिख देता है, इसका हो जाएगा 13×39, मतलब 3000 की वस्तु को 3900 रुपया मार्क कर दिया गया, अंकित कर दिया गया। ठीक है, अब यहां से
आपको 20% की छूट दी जाती है। छूट हमेशा किस पर दिया जाएगा, अंकित मूल्य पर, मतलब 3900 रुपया दाम लिखे हैं वहां से 20% की छूट मिलेगी। तो 20% का छूट देने का मतलब कि 80% में वस्तु बेच दिया जाएगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3900 रुपए से 20% की छूट, मतलब 80% में बेच रहे हैं आप। तो अब ये कितना हो जाएगा आपका, 2 8 24 और 7 31, 3120 रुपया में आपने वस्तु को बेच दिया। 3120 में, एक बार फिर से समझिए, 3000 की वस्तु थी, वहां पे आपने 30% ज्यादा अंकित किया यानी कि 3900 रुपया लिख दिया, वहां से आपने 20% क्या किया, छूट दिया। 20% छूट देने का मतलब 3900 रुपया का 20% छूट देने के बाद आपको कितना में बेचेंगे आप, 3120 में बेच दिए। एसपी क्या आ गया, 3120। अब जो है कह रहा है कि 20% छूट देता है तो ग्राहक को साइकिल कितने रुपए में मिलेगी, तो ग्राहक को साइकिल कितने रुपए में मिलेगी जी, 3120 में मिलेगी। यही आपका ग्राहक का दाम भी हो गया और आपका विक्रय मूल्य भी हो गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं। किसी वस्तु का अंकित मूल्य 400 रुपया है, यदि 10% की छूट देने के बाद भी दुकानदार को 20% का लाभ होता है तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। यहाँ पे देखिए, अंकित मूल्य 400 रुपया है यानी कि सीपी एसपी एमपी, एमपी कितना है वस्तु का, 400 रुपए। अब कह रहा है कि 10% की छूट देता है, छूट हमेशा किस पर दिया जाएगा, मार्क प्राइस पर, एमपी पर। 10% की छूट देने का मतलब 400 की वस्तु है, 10% की छूट देकर के 90% आपने बेच दिया, 9 चौका 36, 360 में क्या किया आपने, बेच दिया, 360 में बेच दिया, ठीक है। तो अब कह रहा कि 10% की छूट देने पर भी 20% का लाभ हुआ, यानी कि जो 360 में बेचे हैं आप 10% छूट देने के बाद, उस पर भी आपको 20% का क्या हुआ, लाभ हुआ। तो लाभ 20% का शामिल है इसमें, 360 में बेचे हैं तो उस पर लाभ भी शामिल है। तो आप क्रय मूल्य का 120% में बेचे हैं यानी कि 20% लाभ लेने का मतलब आपने कितने में बेच दिया वस्तु को, 120%, 20% लाभ शामिल है इसलिए कितने में बेचा आपने, 120% में, और रुपये में कितने में, 360 में। तो 100% जब निकालिएगा तो वस्तु का क्या मिलेगा, क्रय मूल हो जाएगा 360 / 120 × 100, 36, ये आपका कितना आ जा रहा, 300, यानी कि वस्तु का क्रय मूल कितना था, 300 था, ठीक। चलिए एक बार और रिपीट कर देते हैं, अंकित मूल्य 400 रुपया था वस्तु का, यहाँ पे लिखा गया, अब 10% की छूट दी जाती है तो छूट हमेशा अंकित मूल्य पर दिया जाएगा। तो 400 रुपए में 10% की छूट देने के बाद, 10% की छूट देने के बाद आपने 90% में क्या किया, बेच दिया, यानी कि 360 में आपने बेचा। अब इस 360 में बेचे हैं तो आपका लाभ भी शामिल है, कितने का लाभ होता है, 20% का लाभ होता है, यानी इससे कम में खरीदे थे, 20% का लाभ का मतलब 120 में आपने बेचा, 120% में आपने बेचा है, तो 120% में बेचे हैं और रुपए में 360 के बराबर है वही विक्रय मूल्य। तो 100% जो होता है क्रय मूल्य के बराबर है, तो 100% का वैल्यू निकाल दीजिए, 360 / 120 × 100, ये 300 रुपया जो आ रहा है आपका वस्तु का क्रय मूल्य हो गया। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, यदि फिर भी आपको कोई दिक्कत है समझने में तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं दोबारा इसको कमेंट के थ्रू समझाने की कोशिश करूंगा, बताने की कोशिश करूंगा, या नेक्स्ट वीडियो में आपको और अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, इस तरह के वीडियो आपको हमारे चैनल पे मिलते हैं मैथ रीजनिंग और जीके जीएस साइंस के।